अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं प्याज के पकोड़े। जो पकोड़े हैं बेइंतहा जायकेदार बने हैं, साथ ही में क्रिस्पी और क्रंची भी हैं। इसे बनाना बेहद ही आसान है और ये बिल्कुल उसी तरह बनके तैयार होते हैं जिसे हम बाहर से ख़रीदते हैं, बल्कि बाहर से भी कहीं ज़्यादा ही घर पर अच्छे बनते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और ये नमक और हल्दी है, और ये है बेकिंग सोडा, भुना हुआ धनिया पाउडर है, अजवाइन, और ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। साथ ही में लेंगे गरम मसाला, हरा धनिया और पुदीना, बेसन ले रहे हैं। साथ ही में लेंगे रेड कलर, हम ये वाले कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके डालने से बिल्कुल बाहर की तरह बनते हैं। और ये है हरी मिर्च जिसको हमने बीच में से कट कर लिए हैं। तो हम सबसे पहले ऐड करेंगे नमक और हल्दी, और ये सारे मसाले ऐड कर देते हैं। और ये बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, प्याज के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी इसमें प्याज का पानी होता है वो उसी से बन के तैयार होते हैं। तो इसको हम ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। अगर यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्याज की भजिया बन जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो हम यहाँ पे प्याज की पकौड़े बना रहे हैं तो इसको हम ऐसे ही गूंथते रहना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। प्याज और बेसन अच्छे से मिक्स करने के बाद फ़ौरन ही उसको फ्राई करना है, तभी हमारे पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। अगर बेसन को भीगने के लिए रख देते हैं तो वो लूज़ हो जाता है और पकोड़े ठीक से नहीं बनते। तो चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हम पहले से ही गर्म कर लेते, इसका फ्लेम हम मीडियम किए हैं। अब हमने इसका फ्लेम लो किया है और इसको हम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे और डालेंगे फ़ौरन बाद। इसमें चमचा नहीं हिलाना है वरना पकौड़े टूट भी जाते हैं। तो ये देखिए हमारे 3 से 4 मिनट पूरे हो रहे हैं, इसको हम ऐसे हिला लेते हैं। अब हम इसको पलट देते हैं। ये देखिए जो हमारे पकौड़े हैं एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं, इसको हम और कुछ देर तक ऐसे ही रखेंगे। ये दूसरी साइड से भी अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और साथ ही में क्रिस्पी और क्रंची भी बने हैं, तो इसको हम निकाल देते हैं। और इसी तरह करके हम सारे पकोड़े बना लेंगे। माशाल्लाह, हमारे प्याज के पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, बेइंतहा जायकेदार बने हैं ये, साथ ही में क्रिस्पी और क्रंची भी हैं। इसकी जो खुशबू है बहुत ही बेहतरीन है, बाहर से भी कहीं ज़्यादा ही घर पे अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहद ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। हमारे चैनल पे पकोड़ों की और भी रेसिपीज़ मौजूद हैं, अगर आप उनकी भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर ईजीली देख सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।